हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। आज की रेसिपी है जीरावन मसाला। चाट मसाला हर किचन का फेवरेट होता है। ऐसा ही एक राजस्थानी चाट मसाला जिसे जीरावन कहते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप पोहे, पकौड़े या खाखरा, प्लेन रोटी, पराठे, फ्रूट्स, सैलेड, इसके साथ साथ बहुत सारी डिशेज में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये मसाला 25 से 30 मसालों को मिलाकर बनाया जाता है। आज हम इसका एक क्विक मेथड ट्राई करेंगे, तो चलिए इसके लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ हमने एक ग्राइंडर लिया है और इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। जीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 8 टीस्पून, साथ ही गरम मसाला 4 टीस्पून। गरम मसाला बहुत सारे स्पाइसेस का मिक्स होता है। सॉल्ट 3 टीस्पून, इसे भी ऐड कर लेते हैं। धनिया पाउडर 8 टीस्पून, आप चाहे तो साथ में 2 टीस्पून रोस्टेड खड़ा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। जीरावन मसाले में धनिया और जीरे का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। रॉक सॉल्ट 2 टीस्पून, हींग 3/4 टीस्पून। हींग काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की होती है। इन सभी मसालों को हम मिक्सर में चला लेते हैं जिससे कि ये एक साथ आ जाए। मसाला ग्राइंड होकर बिल्कुल रेडी है। हमें इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। इस मसाले का कलर मिर्च के साथ साथ धनिया पाउडर पे भी डिपेंड करता है, तो जितना हो सके फ्रेश और प्योर मसाले यूज़ करें। अब इस मसाले को हमें बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जीरावन मसाले को आप साल भर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे नॉन जैन रेसिपी के लिए बनाना चाहें तो मिक्सर में ग्राइंड करते समय 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर लें। इसी के साथ अगर आप इसे पकौड़ों के साथ एंजॉय करना चाहें तो मसाले में थोड़ा सा नींबू स्क्वीज करें और पकौड़ों को उस पर लगा के खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। ये मसाला स्पेशली कुकुम्बर और अमरूद के ऊपर स्प्रिंकल करके खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप सभी इस जीरावन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं आपको ऐसी ही बहुत सारी नई नई और इजी रेसिपीज़ के साथ। बाय।